सीरियल गोटा किसी के प्यार में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर 7 साल बाद ईशान उठेगा कोमा से। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, फाइनली ईशान को होश आएगा 7 साल बाद, वो भी उसी दिन जब यहां पर अनाउंसमेंट होगा कि सभी और रजत की अब शादी कर देते हैं और देखने को मिलने वाला है। दूसरी ही तरफ यहाँ पर अपनी ही बरसी के दिन यानी ईशान की बरसी के दिन ही ईशान होश में आएगा, जिस दिन पूजा रखी जाएगी ईशान की आत्मा की शांति के लिए। और यहाँ पर ईशा मैम सभी और शांतनु सभी लोग मिलकर ईशान के लिए मंदिर में पूजा रखवाते हैं, जिसमें रजत की फैमिली भी पहुंचती है। दूसरी तरफ यहाँ पर जब देखने को मिलता है कि ये पूजा चल रही होती है, इशारा मिल जाता है भगवान जी का कि उसको जो पिंड दान कर रही होती है सभी शांतनु और ईशा, तो वो पिंड दान नहीं होता। और पंडित जी कहते हैं ये तो किसी और बात का इशारा है, या तो वो इंसान जिंदा है या फिर आपको जो है इस पूजा में किसी और तरह भगवान इशारा कर रहे हैं। देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है सभी के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर उसी की बरसी के दिन 7 साल बाद ईशान कोमा से उठता है और डॉक्टर सभी को कॉल करके बताता है कि ईशान जिंदा है, जिसके बाद उड़ जाते हैं सभी के होश।